एक राजा जी के दरबार में एक तोता बंद होता है, तो उस दरबार में पंडित जी रोज कथा, हर महीने दो बार कथा करने आते हैं। अच्छा। वो अध्याय जैसे पूरा करते हैं ना, उसके मुंह से निकल जाता है हरी मिले तो बंधन छूटे, और तोता बोलता है पंडित छूटा है। क्या बोलता है? पंडित छूटा है। दूसरी बार कथा करने आए, वही बोले अध्याय पूरा हुआ, बोले हरी मिले तो बंधन छूटे, बोला पंडित झूठा है। और पंडित के लिए एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है, क्या मैं इतना बढ़िया कहानी करता हूँ और ये मुझे बोलता है कि पंडित झूठा है। दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चारों रहा नहीं गया, तो पंडित जी गए अपने महाराज के पास, बोले महाराज ये मेरे लिए एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है, आप कुछ कीजिए। तो बोले ठीक है, तो गए, तो यार एक काम करते हैं, अपने वो तोता महाराज के पास ही जाते हैं, उन्हीं को पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो तोता महाराज के पास गए कि भाई महाराज मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मेरे को है? तो बोले पहले मेरी कहानी सुन लो। बोले क्या हुआ? बोले मैं एक ऋषि के आश्रम में उड़ता उड़ता पहुंच गया, तो उसके चेले वहां पे श्लोक बोल रहे थे, तो मैंने याद कर लिया और मैंने बोल दिया, तो चेलों को मालूम पड़ा ये तो चमत्कारिक तोता, मुझे कैद कर लिया और कैद करके मुझे पिंजरे में डाल दिया लोहे के। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। इतनी देर में थोड़े दिनों बाद एक सेठ जी आए, सेठ जी वहां चंदा देते थे जोरदार, तो वो लेके चले गए, वो लेके चले गए और मेरे को वहां पे चांदी के तुमने पिंजरे में रख लिया। अच्छा। थोड़े दिनों बाद राजा जी के यहाँ दावत आई, तो सेठ जी को लगा कि मुझे राजा जी को क्या दावत देनी चाहिए, क्या गिफ्ट देनी चाहिए, तो उनको लगा कि मेरे से बढ़िया कोई दे नहीं सकता, तो मुझे ले गए, तो रानी जी को पसंद आ गया, तो अब मैं चांदी के पिंजरे से सोने के पिंजरे में, पर रहा मैं पिंजरे में। एक बार हरि क्या बोला, मेरा बंधन मिटाने, अब आप कुछ रास्ता बताओ। तो गुरुजी ने कान में उसके कुछ मंत्र बोले, ठीक है बोल दिया, गुरुजी चले गए। दूसरे दिन देखते हैं कि जैसे ही वो दो सिपाही आए, देखा कि तोता तो उल्टा पड़ा है, फिर बोले क्या हो गया, तो वो दौड़ा दौड़ा गया राजा जी के पास, राजा जी आपका तोता, प्यारा तोता मर गया। तो दूसरा जो ये सिपाही खड़ा था, बोला ये तो मर गया है, उसको मैं निकाल देता हूँ। जैसे ही निकाला वो तोता उड़ गया। बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे। क्या बोले? गुरु मिले तो जीवन में आपको सही सलाह देने वाला, सही मार्गदर्शन होगा, तो आपको सही रास्ते लेके जाएगा, और उल्टा रास्ता मिल गया ना तो वो उल्टा लेके जाएगा। तो बोले इसलिए बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांति भाई।